हेलो दोस्तों स्वागत है हमारी वीडियो पर तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जेड प्लांट्स दोस्तों हम लोग प्लांट्स लगाते हैं लेकिन ये प्लांट्स को आपको मोटा और बड़े किस तरह से करना होगा तो मैं आपको आज पूरी अच्छी तरह से जानकारी दूंगी आप मेरी वीडियो पर बने रहें दोस्तों क्योंकि जेट प्लांट आप घर पे लगाते हो तो इस ये बहुत ही शुभ संकेत देती है और इसको लगाने से आपके घरों में धन की कभी कमी नहीं होगी क्योंकि ये जेट प्लांट जो है हमारा बिल्कुल भगवान की तरह है जिस तरह से हम लोग भगवान की सेवा करते हैं उसी तरह से हम लोग इस प्लांट्स को यदि सेवा करते हैं तो ये घने और बड़े अच्छे रूप से हो जाएंगे लेकिन इसका आपको केयर करना होगा क्या केयर केयर करना होगा दोस्तों जो मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि इस तरह से जब जेट प्लांट्स हमारा हो बड़ी होती है इनकी टहानियाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितने मोटे रूप से हो रहे हैं तो इसको और भी मोटा करने के लिए आपको क्या ट्रिक या किस चीज को इसमें अपनाना होगा जिससे हम आपका प्लांट्स बहुत ही सुंदर अच्छे दिखेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे इस प्लांट्स को कट कर कर मैंने लगाई हूँ ट्विनिंग कर कर लगाई हूँ और वो प्लांट्स हमारा बिल्कुल अच्छे हो गए हैं क्योंकि मैंने ये सारे प्लांट्स को सब जगह से मैंने कटिंग किया था और उसके नए नए ब्रांच भी यहाँ हमारा निकल आई है लेकिन आप देख सकते हो कि इसका ब्रांच कितना कोमल और सुंदर आई हुई है लेकिन क्या हुआ है कि एक जगह हम कट किए हैं वहाँ से हमारा तीन जगह से स्रोत फेंकी है जैसे कि यहाँ पर देखिए एक अलग है यहाँ देखिए अलग है इस तरह से अलग है और इसके सीधे वाले भी आए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं मैंने आपको छोटे छोटे गमले में इस तरह से लगाई हूँ देखिए, यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे मैंने लगाई हूँ जो आप देख रहे हैं कि इनको किस तरह से ये टेढ़े जैसा भाग रही है अब इसको आपको सीधे करने के लिए और ये भी मैंने कैरी बैग में यहाँ पर भी मैंने कटिंग लगाई थी लेकिन ये भी प्लांट्स देखिए गोल गाल अच्छी तरह से ये हो गई है उसके बाद हम आपको दिखाते हैं एक गमले में मैंने फिर से यहाँ दिखाती हूँ कि यहाँ पर भी मैंने लगाई हूँ जो आप देख सकती हो कि यहाँ पर भी इस प्लांट्स कितना बढ़िया तरह से हो गई है ये तीनों प्लांट्स को मैंने कट कर कर लगाई हूँ उसी तरह से आप भी कट कर कर इस तरह से प्लांट्स को लगाएं अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कटिंग कैसे करना होगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इससे इस कटर की मदद से हम लोग कट करते हैं जैसे कि ट्वीनिंग करते हैं तो इनकी जो कलियाँ होती है इस तरह से छोटे छोटे इनका कट कर ले इससे क्या होगा कि हमारे छोटे छोटे ब्रांच भी आएंगे और मैंने देखी यहाँ पर कट कर कर मैंने सारे कलियाँ को निकाल ले रही हूँ और नहीं तो फिर आप हाथ से भी इसका ट्विनिंग कर सकते हो ढेर सारा इसके प्लांट्स निकलेंगे अच्छी तरह से ये ग्रोथ करेंगे और ये घने रूप से बड़े भी हो जाएंगे दोस्तों देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर ट्विनिंग कर ली हूँ इस ट्वीनिंग करने के बाद आप इसको भी लगा सकते हो पत्ते से भी ये लग जाएंगे और इसको ये छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं ये भी आप अगर खोस देते हो जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का टहनियाँ आप खोस दोगे इस तरह से आप ट्विनिंग करते हो ट्विनिंग करने के बाद आपके हाथों में ये जो हमारी टहनियाँ हैं इसको अगर आप लगाते हो तो ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कटिंग आपका लग जाएगी तो चलिए अब इसमें आपको डालना क्या है पौधे को हेल्दी और घने और मोटे तीनों चीज़ को आपको करना है तो आपका प्लांट्स बहुत ही बढ़िया हो जाएगी क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ट्रिक अपनाने होंगे तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मिट्टी को करना है तो किस चीज से मिट्टी को गुड़ाई करना है यहाँ देखिए मैंने इस तरह से मिट्टी को गुड़ाई कर ले रही हूँ चारों तरफ से बैठी हुई मिट्टी को कम से कम आप उनको उठाकर इन मिट्टी को जो दबी हुई मिट्टी है उनको कम से कम आप इस तरह से गुड़ाई कर दे गुड़ाई करने के बाद आपको क्या करना है रात हाँसवे जिसे हम लोग बोलते हैं रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट आपको डालना है एक चम्मच आप पौधे में अगर डाल रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन काम करेगी पौधे पर भी बहुत ही अच्छे ये काम करेगी और ये बहुत ही जल्द आपको अगर एक मुट्ठी डाल देते हो तो आपका प्लांट मर जाएगी लेकिन आप एक चम्मच आप हिसाब से ही पौधे पर डाली तो इस तरह से आपको डालना है वो भी गमले के साइड में डाली क्योंकि अगर जड़ में डालते हो तो वो प्लांट्स ख़राब हो जाएगी उसके बाद हम आपको दिखाते हुए हैं दिखा रहे हैं है। हम लोग घर पे बनाए हैं रिच फर्टिलाइजर ये हमारा है को तो दिखा रहे थे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ये देखिए हमारा फर्टिलाइजर किस तरह से बनी हुई है अब आपको डालना क्या है कितना डालना है जैसे ये हमें हाफ जग पानी ली है इसमें हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इस तरह से हम मिक्स कर ले रहे हैं उसके बाद हम इसको डाल देते हैं क्योंकि ये हमारा रिच फर्टिलाइजर डालने से हमारा प्लांट्स बहुत ही बढ़िया तरह से ये ग्रोथ करेगी उसके बाद एक चीज़ और हम दिखाते हैं दोस्तों जैसे कि हम लोग चाय की पत्ती अपने घर पे यूज करते हैं उसको हम लोग चाय की पत्ती यूज करने के बाद जब जब हमारा चाय की पत्ती छन जाती है और हम लोग उसको छान कर फेंक देते हैं वो आप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आप सुखा कर भी उसको डाल सकते हो अगर नहीं है तो आप इस तरह से चाय पत्ती की घोल भी तैयार कर कर पौधे पर डाल सकते हो ये हल्के डालें क्योंकि मैंने दोनों चीज़ को इस पर डालकर दिखाई हूँ इस तरह से मैंने तीन चीज़ का इस पर अजमा कर देखो दोस्तों और इससे आपका पौधे क्या होगी घने हो जाएगी हेल्दी हो जाएगी और मोटे हो जाएंगे और जब हम इस तरह से इनकी गुलाए इसका ट्विनिंग कर इसको गोल कर देते हैं तो ये क्या होगी सारी प्लांट्स ऊपर की ओर भागेगी और ये सीधे सीधे आपका पौधे तैयार हो जाएगी दोस्तों इसी तरह से आप अपने घरों पर जेड प्लांट्स का कट करते, करते रहें और इसका हेल्दी हेल्दी बढ़ाते रहें एक महीने में एक बार अवश्य डालें दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों धन्यवाद